बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। आप हमारे इस कोर्स को वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट लेक्चर्स को। आपको वेबसाइट का एड्रेस गिवन है और व्हाट्सएप नंबर भी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 15 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 15 जो है ये स्टार्ट होता है सेक्शन 24 से, तो इसको थोड़ा सा आप माइंड में एक चीज़ रखेंगे तो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सम टाइम मेडिसन के लिए और इंडस्ट्री के लिए नारकोटिक्स की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनकी एक अथराइज्ड क्वांटिटी अलाउड होती है, और ये वन कंट्री टू अदर कंट्री मूव होती भी हैं और उनकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट भी होता है, इजाज़त भी होती है, और सम टाइम इस तरह के मूवमेंट के साथ कुछ अफेंस होने के चांस भी होते हैं। तो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड होते हैं, और इस एंट्री का या ड्यूरेशन भी होता है, नॉर्मली अमूमन 3 महीने का होता है जो लाइसेंस दिया जाता है किसी कंट्रोल्ड ऑपरेशन या अंडरकवर ऑपरेशन को डिलीवर करने के लिए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको अंडरकवर आप डिलीवर करवाते हैं लेकिन गवर्नमेंट के नॉलेज में होता है, और वो ये अथराइज्ड होता है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता है। तो इस मुतालिक है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किस तरीके से इस मामले को देखेगी या उनके पास क्या पावर्स होंगी, ये अंडरस्टैंडिंग करनी है हमने इस लेसन में। सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में आगे पढ़ेंगे लेकिन ये इससे मशरूत है सबसेक्शन 1। तो अभी आप सेक्शन 1 को पढ़ेंगे तो मशरूत जो कंडीशन है वो दूसरे में पढ़ेंगे। एंड टू एनी ट्रीटी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग विद एनी फॉरेन स्टेट टू विच पाकिस्तान मे फ्राम टाइम टू टाइम बी पार्टी। कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, अंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक पार्टी थी। द फेडरल गवर्नमेंट मे गिव अप्रूवल इन राइटिंग टू कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन। तो फिर गवर्नमेंट जो है इन राइटिंग, इस तरह की अगर मेम्बरशिप होती है या मेम्बर कंट्री होता है जिसमें एग्री करता है, तो जो कंट्रोल डिलीवरी होती है यानी कि चीज़ों को इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करना कि उसमें मैनिपुलेशन ना हो और उसमें ये चांस ना हो कि जो नारकोटिक्स का सब्सटेंस का क्वांटिटी ज़्यादा डिलीवरी के चांस हों या उसको समगल करने के चांस हों, ऐसा अगर मुमकिन होगा तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर ज़रा नज़र रखेगी, तो कंट्रोल ऑपरेशन की इजाज़त देगी फॉर द पर्पज़ ऑफ गैदरिंग एविडेंस। और दूसरा एक और भी है कि अगर कोई ऐसा अफेंस हुआ जिसमें पाकिस्तान भी पार्टी था, कि अगर कोई मेंबर कंट्रीज़ के अंदर कोई नारकोटिक्स के रिलेटेड स्मगलिंग होती है या कोई अफेंस होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में दूसरी टीम के साथ हेल्प करेंगे, तो इस तरह के भी इस एग्रीमेंट में होता है। तो उसका अगर रुख देखें तो फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग एविडेंस इन पाकिस्तान और एल्सवेयर रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन अफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट और ए सिमिलर लॉ ऑफ ए फॉरेन स्टेट। किसी फॉरेन स्टेट को वायलेट किसी ने किया था और पाकिस्तान आया था, उसको इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान जब एग्री करेगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ के नारकोटिक्स को कंट्रोल करना है, तो अगर कोई एक ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जो सारे मेंबर कंट्री को विज़िट करे और उनके देखे कि किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट अथराइज करेगी। तो दूसरा जो था, जो कंडीशनल था सेक्शन सबसेक्शन 1 में, अप्रूवल मे नॉट बी गिवन अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द फेडरल गवर्नमेंट। कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंडीशनल तौर पे अप्रूवल देगी, उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। सस्पेक्ट दैट पर्सन हुज आइडेंटिटी मे नॉट बी नोन, यानी कि जिसको एंटर किया जा रहा है या जिसको अप्रूवल दी जा रही है उस पर सस्पेक्ट हो, उसके बारे में कन्फर्मेशन ना हो। हैव एंगेज इन और एंगेजिंग इन और आर अबाउट टू एंगेज इन कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन अफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट, या फिर इस तरह की अप्रूवल देने से कोई अफेंस होने के चांसेस हैं, और सिमिलर लॉ ऑफ द फॉरेन स्टेट या फिर जो फॉरेन स्टेट का कोई लॉ है उसकी कोई वायलेशन होने के चांस हैं, तो भी अप्रूवल नहीं दी जाएगी। इज सेटिस्फाइड दैट द प्रपोज ऑपरेशन आर प्रॉपरली डिजाइन टू गिव सच अ पर्सन एनी अपॉर्चुनिटी टू मैनिफेस्ट दैट कंडक्ट और प्रोवाइड अदर एविडेंस ऑफ इट। कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन, तो उसके पास सबूत भी होने चाहिए और ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि उसको कोई
जो अपनी सफाई के लिए मौका भी मिले, अपॉर्चुनिटी उसको दी जाए, और ये भी कंफर्म हो कि उसके खिलाफ कोई शवाहद मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे है, द फेडरल गवर्नमेंट में गिव अप्रूवल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। तो इस तरह की जो अप्रूवल होगी 3 महीने के लिए या उससे ज़्यादा कि नहीं देनी, 3 महीने मैक्सिमम होगी। चौथे नंबर पे है, विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी ऑफ द सबसेक्शन 1, द एक्टिविटीज़ विच मे बी अंडरटेकन बाय एन ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट इन कोर्स ऑफ एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल डिलीवरी एंड अंडरकवर ऑपरेशन इंक्लूड। तो इस तरह की जो परमिशन होगी और सबसेक्शन को 1 को लिमिट नहीं करना, लेकिन जो पार्टिसिपेंट होगा जो इस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले रहा है, जो इसका मकसद है कि कंट्रोल डिलीवरी को या अंडरकवर ऑपरेशन को कंक्लूड करे या इंक्लूड करे उसकी इन्वेस्टिगेशन को, अलाउइंग एनी कन्वेंस टू एंटर और लीज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कोई इलाका देने की ज़रूरत हो या कोई जगह देने की ज़रूरत हो वो भी देंगे, कन्वेंस की ज़रूरत हो कि वो उसमें एंटर हो सके तो वो उसको अलाउ करेंगे इस मकसद के लिए। अलाउइंग एनी नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मैन्युफैक्चर ड्रग और कंट्रोल सब्सटेंस प्रॉपर्टी और अदर थिंग इन और ऑन द कन्वेंस टू बी डिलीवर्ड और कलेक्टेड। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी और अदर थिंग और ऑन दी कन्वेंस वगैरह, तो उसकी डिलीवरी या उनको कोई शवाहद कलेक्ट करने हैं तो उसकी भी इजाज़त होगी। सब पार्ट सी है, यूजिंग सच फोर्स एज मे बी रीजनेबल इन दी सर्कमस्टेंसेज टू एंटर एंड सर्च द कन्वेंस। तो अगर कोई कन्वेंस इंटर हुई है तो उसको जो है वो सर्च करना, रोकना, वो भी अथराइज होगा। सब पार्ट सी डी है, प्लेसिंग ए ट्रैकिंग डिवाइस इन ऑन द कन्वेंस। जो गाड़ी एंटर हो रही है उस पर एक ट्रैकिंग जो है डिवाइस भी लगाया जा सकता है ताकि उसकी मूवमेंट का पता चलता रहे। ई अलाउइंग एनी पर्सन हु हैज़ पोजेशन और कस्टडी ऑफ नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मैन्युफैक्चर ड्रग कंट्रोल सब्सटेंस प्रॉपर्टी और अदर थिंग टू एंटर और लीव पाकिस्तान। तो ऐसे फ़र्द को इजाज़त होगी कि वो अपने साथ लेके आए साइकोट्रॉपिक या जो जितनी भी ड्रग्स की मेडिसिन है वो भी फॉर द कंडक्ट ऑफ कंट्रोल्ड ऑपरेशन। उससे कई मतलब होता है, क्योंकि चेन पकड़ना हो, कंट्रोल करना हो या उसको लोकेट करना हो और उसके लिए जाल बिछाया जा रहा हो, तो ये इस एक्टिविटी के ज़मरे में सारी बात हो रही है। सब सेक्शन 5 है, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स एंड ऑथराइज पार्टिसिपेंट इन एंड अंडर कवर ऑपरेशन और ए कंट्रोल डिलीवरी शैल नॉट इंकर एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी बाई टेकिंग पार्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अप्रूवल। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा होगा किसी फौज को अपने नेटवर्क को पकड़ने के लिए, तो उस मामले में कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि वो अपने पास एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेके आएँ और रूल्स को वायलेट करें और वो ख़ुद इस मामले में इंडल्ज हों, यानी कि अंडर द कवर वो कोई बिजनेस ना कर रहा हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करने के लिए सारा कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो लायमल तैयार करेगी। सबसेक्शन 6 है, एनी ड्रग ऑफ डिपेंडेंस कंट्रोल केमिकल कंट्रोल इक्विपमेंट और कंट्रोल मटेरियल इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान इन कोर्स ऑफ एन अप्रूव्ड अंडरकवर ऑपरेशन और कंट्रोल डिलीवरी शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद एज इफ इट वर ए प्रोहिबिटेड इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम एक्ट 1969। तो जो इस ऑपरेशन के लिए जितना भी साजो सामान लेके आया जाएगा और जो कि सब्सटेंस ऐसे हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, तो उनको कस्टम एक्ट 1969 की प्रोविजंस के मुताबिक डील किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।